हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज मैं टाटा इंडिका CR4 का कुछ काम करने वाला हूँ। कुछ प्रॉब्लम है इस पर, तो मैं आज आप सबको दिखाता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या क्या काम करना है। बॉन्ड खोलो। फ्रेंड्स, इस कार को मैं चेक किया, इसमें मुझे प्रॉब्लम मोबिल में दिखा और एयर फिल्टर, मोबिल फिल्टर और ब्रेक पैड। तो मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये सारा चीज़ किस तरह से चेंज किया जाता है और इसका क्या काम होता है। मैं बताऊंगा भी और दिखाऊंगा भी। तो इसका मोबिल पल्टी करना है। सबसे पहले तो आपको मोबिल ड्रेन करना है। मोबिल ड्रेन यहाँ है, आपका ड्रेन नट है इस जगह। ये आपका मोबिल ड्रेन हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका मोबिल फिल्टर किस जगह है। मोबिल फिल्टर के लिए आपको ये कवर हटाना होगा, ये ऐसे ही फंसा हुआ रहता है। ये रहा उसका मोबिल फिल्टर, ये है यहाँ, ये मोबिल फिल्टर है। ये मोबिल फिल्टर यहाँ पे आपको इस जगह से खोलना है इस तरह। और ये देख रहे हैं मोबिल फिल्टर, ये आपका मोबिल फिल्टर खुलिए। अब मैं एयर फिल्टर इसका खोल के चेंज करूँगा। ये एयर फिल्टर है, इसके अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ है और इसको चेंज करूँगा। निकालो डब्बा, एयर फिल्टर बाहर करो। ये एयर फिल्टर न्यू लग जाएगा। एयर फिल्टर लगाने से पहले उस जगह को अच्छा सा आप क्लीन कर ले। ये न्यू एयर फिल्टर आया हुआ है और इसको फिटिंग होगा। चलो इसको फिटिंग करो। एयर फिल्टर लग गया और ये अच्छा से वॉक्स टाइट हो गया है। अब मैं इसका ड्रेन नट लगा के मोबिल डालूंगा इंजन में। क्या ड्रेन नट लगाओ, ये ड्रेन नट टाइट हो रहा है इसका, तो फुल टाइट करो पाना से। मोबिल फिल्टर वाला ड्रेन नट फुल टाइट हो गया है। अब मोबिल फिल्टर के जगह, जिस जगह पे मोबिल फिल्टर लगेगा उसे कोई कपड़ा से अच्छा से क्लीन कर ले ताकि मोबिल ना लीक करे। अब यहाँ पे हमें मोबिल फिल्टर टाइट करना है, तो मोबिल फिल्टर टाइट करने से पहले मैं उस जगह को अच्छा से क्लीन कर रहा हूँ। ये मोबिल फिल्टर आया हुआ है और इसे फिटिंग करना है। मोबिल फिल्टर सेट करने से पहले इसका ओरिंग में थोड़ा सा मोबिल दे दें, इसलिए मोबिल दिया जाता है ताकि ओरिंग जिस जगह पे है वहाँ से घसके ना। अगर घसक गया तो आपका सारा इंजन ऑयल बाहर आ जाएगा। फिटिंग करने से पहले आपको ऐसा करना है। फ्रेंड्स, मोबिल फिल्टर आपका यहाँ से ऊपर से सेट नहीं होगा, कभी भी आपको सेट करना है नीचे से ही सेट होगा। तो मोबिल फिल्टर तो नीचे से
ये आप देख रहे हैं, इसको नीचे से लेना पड़ता है। ये मोबिल फिल्टर टाइट हो गया, अब इसका इंजन ऑयल मैं डालूँगा। दोस्तों जी अभी इंजन ऑयल लग रहा है, फ्रेंड्स इंजन ऑयल में डाल दिया और सिर्फ 5 लीटर इंजन ऑयल लगता है। ये आप देख रहे गेज, इंजन ऑयल बिल्कुल ठीक है, ये आपका यहाँ तक होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा ये मोबिल फिल्टर में जाएगा तो अपना जगह में आ जाएगा। फ्रेंड्स इंजन ऑयल लग गया, फिल्टर लग गया, ड्रेन नट लग गया, अब मैं इसको स्टार्ट करके देखूँगा, ऐसे नहीं कि मोबिल फिल्टर से ऑयल लीक कर रहा हो। तो स्टार्ट करो गाड़ी। ये आपका मोबिल फिल्टर मैंने चेक किया, यहाँ से थोड़ा भी ऑयल नहीं लीक कर रहा, मतलब मैंने जो फिटिंग किया हूँ बिल्कुल ठीक किया। गाड़ी बंद कर दो। तो फ्रेंड ये आपका इंजन में जो जो काम होता है ये मैंने आपको दिखाया किस तरह से किया जाता है। अब मैं इसका ब्रेक पैड चेंज करूँगा, दोनों साइड का ब्रेक पैड पूरा ख़त्म है, तो इसका चक्का खोल के अब दिखाता हूँ ब्रेक पैड का क्या कंडीशन है। अब मैं इसका ब्रेक पैड चेंज करूंगा, ब्रेक पैड बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो इसमें न्यू ब्रेक पैड डालना है मुझे। दोस्तों ये ब्रेक पैड न्यू, इसे फिटिंग करना है मुझे। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ख़त्म हो गया, और इसका लेदर देखिए कितना ज़्यादा है, तो मैं इसको चेंज करूंगा। इसको इस तरह से बैठाया जाता ये ब्रेक पैड लग गया, अब इसका चक्का लगाना है मुझे। फ्रेंड्स ब्रेक पैड लग गया दोनों चक्के पे आपका, मैं इसमें भी लगा दिया न्यू ब्रेक पैड। अब मैं गाड़ी को ड्राइव करके चेक करूँगा, ये सारा काम हो गया है, बहुत अच्छा से काम हुआ है। अब मैं ये मैं ड्राइव के लिए निकल चुका हूँ, मैं गाड़ी को चेक कर रहा, फ्रेंड्स इसमें जो प्रॉब्लम था जैसे कि ब्रेक नहीं लग रहा था, ये सारा काम मैंने किया, ब्रेक पैड चेंज कर दिया, अभी ब्रेक भी बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग बातें लेके। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।